यार फिर से वायरस अटैक हो गया। अगर बीते सालों में कुछ सीखा है ना तो बस यही कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल और वायरस कभी भी आ सकता है, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो या हमारी लाइफ। और लाइफ की ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस का बैकअप है इमरजेंसी फंड्स। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ पैसा बोलता है बाय कोटक 811। बट ये होता क्या है, कैसे बिल्ड करते हैं और आप इस फंड को कहां और कैसे यूज कर सकते हो, ये सब पता चल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है बॉस। इमरजेंसी फंड वो अमाउंट होता है जो आप अलग से रखते हो टू यूज इन दोज इमरजेंसीज दैट विल पुट यू इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे कि सडन अनएम्प्लॉयमेंट, डेट, कोई इंजरी या इलनेस। अब आप कहोगे कि उसके लिए तो इंश्योरेंस भी है, तो हाँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा ऑल आर पार्ट ऑफ इमरजेंसी फंड। बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि हर चीज का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसी इमरजेंसीज में सस्टेन कर पाओ? तो आइडियली दीज फंड शुड लास्ट फॉर अराउंड 6 मंथ्स, विच मीन्स कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर आप 6 मंथ्स तक अनएम्प्लॉयड हैं तो आप उन 6 महीने की अपनी सभी नीड्स यानी कि EMIs, रेंट, बिल्स पूरी कर सकते हो बिना किसी लोन या डेट के। और ये अमाउंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, लाइफस्टाइल एंड अदर फैक्टर्स। अब सपोज कि आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये है। हाँ हाँ, नो, तेरे सपने बड़े हैं ब्रो, पर अज्यूम कर ले। तो अब उस 30,000 में से अगर 8,000 रेंट देते हो, 4,000 EMI देते हो, 5,000 ग्रोसरी में स्पेंड करते हो और 5,000 अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज करते हो, तो आप मंथली 22,000 खर्च कर रहे हो। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में लेट से 4,000 इन्वेस्ट भी करते हो। तो अब ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे आपको इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए। इस हिसाब से अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड निकालना है तो आपके पास 22,000 × 6 यानी कि 1,32,000 का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पर अब 1,32,000 रुपये आप बिल्ड कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास तो हार्डली कुछ बचता है आफ्टर योर मंथली एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले अपनी सारी ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट्स को बैक सीट पर रख दो, बट ऑफ कोर्स हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। और जो अमाउंट आप इन इन्वेस्टमेंट्स में डालते हो उसे इमरजेंसी फंड में डाल दो, क्योंकि इमरजेंसी फंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है फिलहाल आपकी लाइफ में। सेकेंडली, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना करो, और कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसे मिले तो उसे इस इमरजेंसी फंड में डाल दो। मेक श्योर कि इमरजेंसी फंड का आप एक अलग से अकाउंट खोल रहे हो और उसे अपने डेली एक्सपेंडिचर से अनटच रखो। और ये जो आपका इमरजेंसी फंड बन रहा है उसे रखोगे कहाँ? तो सिंपल है, एक इजी सा कोड फॉलो करो, 10-20-70, जिसमें 10% कैश में रखो, 20% FD या सेविंग्स अकाउंट में यानी कि जो आप अलग से अकाउंट खोलोगे एंड जिस पे आपको 3.5-4% इंटरेस्ट भी मिलेगा, एंड बाकी का जो 70% का मेजॉरिटी है दैट इज योर चीट कोड, उसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। दीज आर इजली कैशेबल एंड वंस यू सेल देम तो सिर्फ 24 आवर्स में क्रेडिट हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। ऑल्सो देयर इज नो एग्जिट लोड, इट्स लाइक अ वेल रिटन फंक्शनल कोड। एंड चेरी ऑन द टॉप ये है कि लिक्विड म्यूचुअल फंड से 7% रिटर्न्स भी आएगा। पर याद रखना, रिस्क तो है ही। अब आपको अगर लिक्विड म्यूचुअल फंड में SIP नहीं करना तो आप RD यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, जिसमें आप अपने टर्म्स पर कितना इन्वेस्ट करना है और कब तक करना है डिसाइड कर सकते हो। एंड डिपेंडिंग ऑन योर टेन्योर यू कैन गेट 6-7.2% रिटर्न्स। पर हाँ, याद रखना कि लाइक FD, इसको तोड़वाने के लिए अलग से एक एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ सकता है। सो इसलिए अगर आपको FD, RD में इन्वेस्ट करना है तो उतना ही अमाउंट करना जो अगर आपको मेच्योरिटी टाइम तक नहीं मिले तो दिक्कत ना हो। आप कोटक 811 में एक्टिव मनी अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिसमें स्वीप इन फैसिलिटी यूज करके आप अपने FD के फंड्स को ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करके FD लाइक इंटरेस्ट के मजे भी ले सकते हो। इससे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप हेल्पलेस फील नहीं करोगे एंड ये मनी इजिली यूज कर पाओगे। और अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना है तो बस इस 10-20-70 रूल को थोड़ा ट्वीक कर देना, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20% कैश, 30-40% इन सेविंग्स अकाउंट एंड बाकी का 40-50% FDs में रख सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स को रिटर्न से काफी ज्यादा पीस ऑफ माइंड पसंद है। और अभी भी आपको लग रहा है कि यू डोंट नीड एन इमरजेंसी फंड, तो सोचो कि ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ही है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर। अब डेटा ब्रीच हो या शॉर्ट ऑफ फंड्स हो, वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू बी सिक्योर इन बोथ वर्ल्ड्स, राइट? तो एक बार इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो देख लें। तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इमरजेंसी फंड, जो आपको इमरजेंसी के वक्त काम आएगा, और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपका इमरजेंसी फंड आपके 6 मंथ्स की नीड्स यानी कि EMIs, रेंट, बिल्स को पूरा करना चाहिए बिना किसी लोन या डेट के। ये फंड आपके डेली एक्सपेंडिचर से अलग होना चाहिए,
इसमें आपका चीट कोड है 10-20-70, 10% इन कैश, 20% इन FD या सेविंग्स अकाउंट एंड 70% इन RD और लिक्विड म्यूचुअल funds. अगर आप FD या RD कंसिडर कर रहे हो टू गेट हायर returns, तो रिमेंबर कि FD या RD मेच्योरिटी से पहले तोड़वाओगे तो उस पर आपको एक एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा. इसके बदले आप कोटक एक्टिव मनी के लिए ऑप्ट कर सकते हो जिसमें स्वीप इन फैसिलिटी भी है. तो सेविंग्स अकाउंट पे आपको मिलेगा FD लाइक इंटरेस्ट अप टू 7%. ऑन द अदर हैंड लिक्विड फंड्स आर इजीली कैशेबल और तो और इसमें कोई एग्जिट लोड या एक्सपेंस भी बेयर नहीं करना पड़ेगा. बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट रिस्क फ्री. तो अब देर किस बात की है, गो स्टार्ट प्लानिंग फॉर इमरजेंसी फंड टुडे. फोर्टी की एज में रिटायर होना इज अ ड्रीम, बट यू नो वॉट, यू कैन टर्न दिस ड्रीम इन टू रियालिटी. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पैसा बोलता है. टू नो मोर सब्सक्राइब टू कोटक 811.